ये देखें, ये परफ्यूम है, इसकी प्राइस देखते हैं कितने के हाल है। प्राइस 5 टू मच 120 रियाल। ये दिखाएंगे वाला, इनकी नीचे मजलिस लगी हुई है, अरबी लोग इधर मजलिस पे आके बैठते हैं और मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये है जी इंडोनेशिया की, जिन्होंने पीली जैकेट पहनी होती है इंडोनेशिया की होती हैं। फ्रेंड्स ये देखें, मैं सब के लिए दुआ करूँ, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न करो तो करम कौन करेगा, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग इधर से शुरू हुआ है, वेलकम टू पिंकिश ब्लॉग। में ये देखें, ये परफ्यूम है, और आज मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं इसलिए आई थी। इसकी प्राइस देखते हैं कितने के हाल है, उनसे पूछते हैं अंदर। ये बेबी क्रीम है इनके पास, लेओ लेओ पता, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। हेलो हेलो हेलो, उन्होंने बताया है 39 रियाल। ये पाकिस्तानी बनेंगे, आई थिंक 2500 का, मेरे ख्याल से 2500-3000 का इतने का। और यार देखें ये परफ्यूम, टू मच 120 रियाल। 100 ये दिखाएंगे वाला, ये 110 100 ओके ओके। नाइस प्राइस 25 दिखाए, माशाल्लाह। बहुत मुख्तलिफ हैं और मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन असल में ये है कि मैं
पैकेज देख के फिर चीज़ लेती हूँ। एक तो ये जो है बहुत महंगा है, मदीना जाओ तो मदीना सस्ता है बहुत ज़्यादा, मक्का महंगा हो जाता है। सेम सेम सिस्टर, सेम सेम 25 हैस नो लेस लेस नो 20 लेस ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये देखिए हम बहुत महंगी चीज़ है और ये नहीं कि चीज़ अच्छी नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी है, कमाल बेटा कमाल चीज़ है। फाइव मिनट टेन रियाल। अच्छा 5 मिनट 10 रियाल और 10 मिनट तो 40 रियाल। 10 मिनट 20 रियाल। 20 रियाल ओके। गुड गुड। ये जी रियाल के हिसाब से होता है इधर, और अगर हम इन पैसों को पाकिस्तान के साथ अकाउंट करें तो बहुत ज़्यादा है। 50 रियाल इधर का आई थिंक 3500 बनता है, तो 100 रियाल 8000, 8.5 हज़ार रियाल बनता है, 8.5 हज़ार बनता है। तो मैं कहती हूँ हर चीज़ को बड़ी देख के और बड़े तहमुल से लेना चाहिए, बड़े तहमुल से लेना चाहिए हर एक चीज़ को, और जल्दबाजी वाला काम नहीं करना चाहिए। ये सूट बहुत प्यारा है लेकिन इधर रात आके रियालों में ख़त्म हो जाती है। मैंने लिए हैं 6 बुरखे लिए हैं, शॉपिंग की है मैंने, इधर से नहीं की मैंने, मदीना से की है। A few moments later. ये देखें ये इनकी नीचे मजलिस लगी हुई है, अरबी लोग इतनी मजलिस पे आके बैठते हैं और मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे कहा है कि हमारे लिए दुआ करना, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आप सब लोगों के नसीब अच्छे करें और खुशियाँ अता फरमाएं आप सब लोगों को, अपनी जुबान में रखें। ये सलोन था, ये देखो ये अब नीचे जाने का रास्ता है, मैं ऊपर तो इधर से नहीं आई थी, मैं दूसरी साइड से आई थी। ये देखिए मजलिस लगी हुई है अरबियों की, तो ये लोग मजलिस पे ज़्यादा बैठते हैं। ये इनकी मजलिस है, देखिए ये हरम पाक नजर आ रहा है सामने माशाल्लाह, हरम के साथ ही होटल है। देखें आप कितना नाइस है माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जी इंडोनेशिया की, जिन्होंने पीली जैकेट पहनी होती है इंडोनेशिया की होती हैं,
इनकी एक निशानी होती है कि इंडोनेशिया की है ये। और अब मैं रोम की तरफ वापस जा रही हूँ, अजान के टाइम में आऊँगी। रश आप देख लें कि बहुत ज़्यादा है, हरम से लोग आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब मैंने तो रोज़ा खोला है मगर की नमाज़ पढ़ी है, इसलिए मैं थोड़ा चहलकदमी करने के लिए ऊपर आ गई थी और अब मैं वापस जा रही हूँ। जी फ्रेंड्स, और मैं अभी आपको मैंने दिखाया है कि रश कितना है, माशाल्लाह रश में भी कमी नहीं है। और ये रोज़े हैं, रोज़ों में बहुत ज़्यादा तादाद है हजियों की, माशाल्लाह 5 लाख लोग आए हैं। और आज तो इन्होंने हरम को बंद कर दिया था बिल्कुल ही, तो मैं इतना रोड पे बनाती नहीं हूँ, मुझे ख़तरा की चीज़ का नहीं है। कोई अरबानी जो होती है वो पर्दा करती हैं, शराइ पर्दा करती हैं, तो मैं कहती हूँ किसी को मुझसे प्रॉब्लम ना हो, तो मैं इसलिए बहुत ख्याल करती हूँ। और अपना मुल्क नहीं है, गैर मुल्क है, तो थोड़ा सा एहसास और ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो आप लोग देखिए, अभी मैंने नमाज पढ़ी मगरिब की, मैंने थोड़ा प्लाजे का चक्कर लगाया, विंडो शॉपिंग की, अब मैं रूम की तरफ जा रही हूँ। और फिर आप लोगों को मैं दिखाती भी रहूँगी, बात भी करती रहूँगी और हम बात भी दिखाऊँगी आप लोगों को, मैं A few hours later. जी फ्रेंड्स, ये देखें, मैं सबके लिए दुआ करूँ, अल्लाह पाक सबको सलामत रखें, आबाद रखें, जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद अता फरमाए। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने माशाल्लाह देखी हैं बातें, ज़्यारतें, और अब मैं तवाफ़ करने लगी हूँ, एक और तवाफ़ किया है। वैसे सुबह शाम तवाफ़ करती हूँ, अभी तवाफ़ उन्होंने रोक दिया क्योंकि अजान का टाइम होने वाला है और अजान होने वाली है, अजान से पहले ये रोक देते हैं, अजान के बाद ही शुरू करवाते हैं, क्योंकि सब 12 हो गए हैं, 12:45 पर अजान हो जाती है सऊदी अरब में। और हमारा ब्लॉग इधर ही एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।